सिवान शहर के कंधवारा स्थित डीवीएम पब्लिक स्कूल में आज एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अंक पत्र और पेरेंट टीचर मीटिंग सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस उल्लेखनीय कार्य में स्कूल के छात्रों ने अपने शैक्षणिक प्रदर्शन से स्कूल का नाम रोशन किया, जहां उन्होंने 85% से 97% तक के उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किए। विशेष रूप से कक्षा 7 की छात्रा रश्मिता पराशर ने 97.37% अंक प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाया। इस अवसर पर डीवीएम पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य पवित्र कुमार बिस्वाल ने छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि हम छात्रों की व्यक्तित्व विकास के लिए नवीन शिक्षा पद्धतियों को अपनाने के प्रति समर्पित हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों के अभिभावकों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई, जहां उनके समक्ष छात्रों को उनके मार्कशीट प्रदान किए गए। विद्यालय के निदेशक अरुण कुमार सिंह ने यह भी घोषणा की है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 4 अप्रैल 2024 से होगी, जिसमें वो शिक्षा के नए आयामों को छूने के लिए तत्पर है। डीवीएम पब्लिक स्कूल अपने छात्रों को उच्चतम शिक्षण मानदंडों के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालय के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह उर्फ धनंजय सिंह ने कहा कि छात्र छात्राओं को इस तरह शिक्षित किया जाए कि वो आगामी चुनौतियों का सामना कर सके और समाज में उत्कृष्ट योगदान दे सके। स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। क्लास 7th कितना मार्क्स आया आपका? 97.37%। कैसे इतना बढ़िया मार्क्स ला ली? कैसे पढ़ ली? कितने देर पढ़ती है? बस पढ़ते हैं अच्छे से जितना देर। कैसे पढ़ती है? और बच्चे जानना चाहते हैं, तुम्हारी तरह जो बच्चियां हैं वो जानना चाहती हैं कि क्या नाम बताइए अपना? रश्मिता पराशर। वो जानना चाहती हैं कि रश्मिता कैसे पढ़ाई करती है, कितना बढ़िया मार्क्स लाई है? जो भी पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं। बस पूरा सपोर्ट मिलता है। कहाँ घर है आपका? अयोध्यापुरी। माता पिता हैं? यस। भैया हैं। भैया हैं। अच्छा, चलो। क्या नाम है बाबू आपका? माइसेल्फ खुशी दुबे फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th। स्टैंडर्ड 9th। कितना मार्क्स आया? 93.92% 93%। यस। अच्छा, तो आगे क्या तैयारी रहेगी? आईआईटी का। आईआईटी? यस सर। अच्छा, स्कूल से यहाँ के जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, इन लोगों को कितनी मदद इन लोगों से मिलती है? सर ऐसे तो पूरा सपोर्ट मिलता है, पढ़ाई को लेकर या फिर बाकी एक्टिविटी में भी पूरा सपोर्ट करते हैं यहाँ के टीचर्स। अंशु परा सर। यहाँ हो ना? यहाँ हो सर जी। अच्छा, यहाँ आप किस लिए आए स्कूल में? सर बहन का रिपोर्ट कार्ड लेना था। अच्छा, ये? यस सर। क्या नाम है आपकी बहन का? रश्मिता परा सर। यस सर। रश्मिता ने 97.37% Yes, sir. क्या लगता है, अच्छा मार्क्स है ये? यस सर। तो इस तरीके से आपकी बहन ने इतना अच्छा मार्क्स लाया, क्या पढ़ती थी, स्कूल का क्या सपोर्ट रहा है? सर स्कूल का तो बहुत बढ़िया सपोर्ट रहता है हरदम, और अभी जो है ये मतलब क्लास 7th पास की है, 8th में इसका फर्स्ट चैप्टर सारे सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है, 8th तक का भी ये कंप्लीट कर चुका है। मतलब स्कूल सर बहुत बढ़िया है। यस सर। ये आपकी मदर हैं? हाँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। 9th में कितना मार्क्स है इनका? मार्क्स सर 92% है। अच्छा, 92%। अच्छा, आप आलिया की माँ हैं? जी। आज मार्क्स लेने आई हैं? जी। पढ़ाई वढ़ाई करती है ठीक से? घर पे तो पढ़ाई करती है। स्कूल कैसा है? अच्छा है। 92 बचपन से ही पढ़ती है, नर्सरी से ही? हाँ जी। अच्छा, आज 92% लाई है जी, खुश हैं? हाँ खुश हैं। विद्यालय के बारे में क्या कहिएगा आप? बहुत पुरानी आपकी छात्र यहाँ पर आपकी बेटी पढ़ती है, काफी लंबे समय से यहाँ को जानती है। स्कूल बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है बताएं, कुछ और लोग भी जानना चाहते हैं। एजुकेशन अच्छा है, पढ़ाई भी ठीक है। एजुकेशन बढ़िया है, पढ़ाई भी बढ़िया है जी। टीचर बढ़िया है? हाँ। डीवीएम पब्लिक स्कूल में आए हैं, आपका छोटा भाई है? जी मेरा छोटा भाई है। यहाँ के पढ़ाई से आपके छोटे भाई का जो परफॉर्मेंस रहा, जो मार्क्स उसने अटेन किए, आपको क्या लगता है? अभी तक तो जो फिलहाल सही है, अब शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मतलब है वो कैसे प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से तो मतलब देखने के ठीक है, अब आगे चल कर देखिए क्या होता है। बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम तो देखिए क्या कुछ लोग
गार्जियन होने के तौर पर बच्चे को लेकर किस तरीके से तैयारियां कराएंगे? देखिए अभी तो मतलब फिलहाल मेरे फादर जो है मतलब इनके पापा जी तो वही डिसाइड करेंगे, हम तो इनके बड़े मतलब भैया हैं तो वही अब जो भी है डिसीजन उन्हीं के लिए और इनको लेना है। एक गार्जियन को अभी तो फिलहाल सब चीज़ सही है, सही है। हाँ सही है, DVM स्कूल भी। एक बच्चे को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए गार्जियन के का क्या रोल होना चाहिए? हाँ ठीक है, ऐसी बात थोड़ी ना। ठीक, स्कूल के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, स्कूल में आइए, एडमिशन कराइए, सही है, स्कूल अच्छा है। हाँ स्कूल अच्छा है, डी भी। हाँ जी अच्छा, ठीक। नाइन्थ नाउ एंड आई हैव बीन माई सेल्फ आयुष कुमार, नाउ आई हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में आ गए इस बार? यस सर। नाइन्थ का रिजल्ट कैसा रहा? यार इस बहुत अच्छा गया इस बार। अच्छा गया, कितना? 89। कहाँ चूक हो गई? चूक थोड़ा सा आप कह सकते हैं बायोलॉजी में। अच्छा, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। लेकिन 89% भी तो बहुत अच्छा मार्क्स है। यस सर। ये अन्य जो स्कूल हैं इससे अलग कैसे है आपका ये स्कूल? सर इन कंपैरिजन टू अदर स्कूल्स वी कैन से दैट लाइक हियर द फ्रेंडशिप बॉन्ड इज़ वेरी गुड विद टीचर्स, टीचर ऑलवेज सपोर्ट्स द चिल्ड्रन, दे इनकरेजेस देम एंड इवन इफ अ स्टूडेंट इज डिमोरलाइज दे ऑलवेज सपोर्ट्स देम, इन दिस वे द आर स्कूल इज मोर बेटर देन द अदर स्कूल। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू गेट फ्रॉम टीचर्स एंड सपोर्ट्स? लाइक sometimes the students is getting demotivated due to some study stress, so the teacher motivates them, boosts up interest, and sometimes the games activities are also there for like the students get interest towards the games and studies both, due to this they get interest. Sports activities may be approved. Yes, sir. Myself, Mohan Pandey, I'm a student of Standard 8. In session 2024 to 2025, I'm promoted in 9th class. You are promoted to 9th class? Yes, sir. This year? Yes, sir. And what was the marks? Sir, 90%. 90%? Are you satisfied with your marks? No, sir. No, sir. No, sir. आई थिंक मतलब जितना जितना ज़्यादा बेटर जितना ज़्यादा ज़्यादा बेटर किया जा सकता है उतना ट्राई करना है और अच्छा करने। यस सर, यस सर। ठीक, आगे क्या तैयारी रहेगी? सर आगे बस स्टडी करना, भी तो उसके बाद देखा जाएगा। एम क्या है? एम सर SP, माई एम इज़ टू बिकम SP। SP ऑफ पुलिस। सर बिकॉज पहला तो मतलब उसमें आपको फुल पावर मिलता है एंड सर थोड़ा पावर के लिए? नो सर, मतलब उसमें सर मतलब जनता की सेवा के लिए एंड सर करप्शन भी ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो उसको भी थोड़ा कम करने के लिए। ठीक, क्या परिचय हुआ? सर हमारा नाम सुमन सिंह है, हम DVM पब्लिक स्कूल में उप प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आज बच्चों को उनके मार्क्स दिए जा रहे हैं? यस सर। और कुछ बच्चों से हमारी बात हुई, उन्होंने काफ़ी अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया? हाँ सर, हमारे स्कूल में बच्चों ने 97, 96, 95% स्कोर किया हुआ है और हम लोगों के साथ साथ में उनके पेरेंट्स को भी बहुत ये गर्व की बात गर्व हुआ है कि उनके बच्चों ने इतना परसेंटेज लाया है। बच्चे कह रहे हैं कि काफ़ी सपोर्ट मिलता है टीचर्स से, काफ़ी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी आप लोगों का ध्यान रहता है? सर बिल्कुल, मिलना भी चाहिए सर, क्योंकि गार्जियन और टीचर के बिना सपोर्ट के बच्चे आगे नहीं कर पाएंगे सर, और जब तक टीचर जो हैं वो बच्चों के साथ में फ्रेंडली नहीं रहेंगे, बच्चे अपने आप को डरा हुआ महसूस करेंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे सर। तो ये तो होना चाहिए, हर एक विद्यालय में होना चाहिए कि टीचर जो हैं वो बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहें। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं बड़ी बदमाशी करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, तो ऐसे में कई बार टीचर को थोड़ा सख्त ऐसा देखा गया कि टीचर सख्त हो जाते हैं? सर सख्त होने का कारण इसलिए होता है क्योंकि टीचर को एक कुम्हार का रूप भी कहा जाता है। कुम्हार जो है भले ऊपर से घड़े को ठोकता है सर, बट अंदर से वो बच्चे घड़े के अंदर में हाथ लगाए रहता है कि कहीं वो घड़ा जो है वो क्रैक ना करे। तो सेम चीज़ है शिक्षक या टीचर के रूप में हम लोग कार्य जो काम करते हैं कि बच्चे को हम लोग उस समय डांटते हैं, बोलते हैं, जो करना होता करते हैं, लेकिन 5 मिनट 7 मिनट के बाद से हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने बच्चे को डांटे, या फिर हमारे बच्चे भी ऐसा नहीं सोचते कि इस टीचर ने हमको डांटा।
ऐसा कुछ नहीं है सर। उनके भले के लिए, उनके भले के लिए ही हम लोग करते हैं ये बात, पेरेंट्स भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं। क्या पढ़ाती हैं प्रधानाचार्य जी? हम हिंदी विषय पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं, यस सर। हिंदी को लेकर अंतिम सवाल होगा, हिंदी को लेकर के बच्चों में जो एक उत्साह रहता है आमतौर पर वो शायद नहीं रहता है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस सब्जेक्ट को, हिंदी हम बोलते हैं, इंग्लिश वगैरह का काफ़ी बोलबाला रहता है। आप एक हिंदी की शिक्षिका हैं, इस बात को कैसे देखती हैं? सर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि CBSE बोर्ड में बच्चों का हिंदी में थोड़ा कम मार्क्स आता है, सारा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में रहता है लेकिन हिंदी में बच्चे उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है सर। बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को उतना ही लेकर के चलते हैं जितना मैथ साइंस SST इंग्लिश है, उतना ही स्कोर करने के लिए वो जी जान लगा देते हैं हिंदी को भी स्कोर करने के लिए सर। सर हम तो पेरेंट्स से यही कहेंगे कि किसी भी स्कूल में एडमिशन कराना ठीक है, बट आप अगर अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं बच्चे का, तो आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज अक्षय, अक्षय कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? नाइन्थ। आज क्या हो रहा है यहाँ पे? टुडे इज द PTM ऑफ आवर स्कूल एंड ऑल द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन हैव कम अलोंग टू गेट देयर रिजल्ट्स। अभी जो सेशन बीता है 2023-24 इसका रिजल्ट लेने, फाइनल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स का आप भी अपना रिजल्ट लेने आए हैं? जी। विद योर पेरेंट्स? यस। क्या रिजल्ट रहा आपका? इट्स गुड। इट्स गुड, यस। थोड़ा बताएं क्या डिटेल्स बताएं, कैसा मार्क्स आया, सब्जेक्ट कैसे गए, कितना परसेंट मार्क्स? ओवरऑल इट्स 86.2%। 86.2%। यस। अच्छा, और मैथ्स में कितने मार्क्स मिले आपको? मैथ्स में अराउंड 75। तो आप सेटिस्फाई हैं अपने इस रिजल्ट से या और बेहतर की गुंजाइश है? मैं सेटिस्फाइड तो नहीं बोलूँगा, अभी भी मेरे को और प्रिपेयर करना है सो दैट आई कैन स्कोर 95% एंड अप। 95% वो है जी। क्या कहेंगे जो बच्चे अभी टेंथ में जाएंगे या अभी आपकी की तरह बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे, उसके लिए क्या तैयारियां होंगी, इस स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं? हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक गुड प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, लैब एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड अ फ्यू टाइम्स इन अ वीक सो दैट द स्टूडेंट्स गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थ्योरी तक ही बेस्ड ना रहें, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। टीचर लोगों का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली है, बहुत बढ़िया है, वो लोग हमारी एकेडमिक प्रॉब्लम्स और सारी के सारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स दोनों का हैंडल करते हैं। अच्छा, व्हाट मेक्स अ डिफरेंस फ्रॉम अदर स्कूल्स व्हिच आर यू नो वर्किंग इन सिवान डिस्ट्रिक्ट? फ्रेंडली बिहेवियर। फ्रेंडली बिहेवियर, जो रिलेशनशिप है बच्चों और टीचर्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रेंडली है दूसरे स्कूल्स के कंपेरिजन में। अच्छा, क्या नाम है आपका? अक्षय। कहाँ घर है आपका? अयोध्यापुरी। आपके पेरेंट आए हैं? जी। सर आपके बच्चे ने 5 लाया है, आपके चेहरे पर वो एक संतोष का भाव भी दिख रहा है, क्या कहिएगा? नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चा काफ़ी मेहनत करता है, किसी कारण बस एक दो सब्जेक्ट में इसका काफ़ी कम नंबर आया है जिसके वजह से टोटल मार्क्स परसेंटेज रिड्यूस हुआ है, आगे मेहनत करेगा। ये स्कूल अच्छा है, संस्कारयुक्त शिक्षा दिया जाता है बच्चे, कम से कम DVM पब्लिक स्कूल, और संस्कारयुक्त शिक्षा है, कम से कम बच्चे के अंदर एक मैनर्ड है, संस्कार डेवलप हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सिवान जिले में, ये यूनिक स्कूल है इस मामले में, बढ़िया स्कूल। और पेरेंट्स से क्या कहेंगे? और पेरेंट्स से कहेंगे यहाँ एडमिशन कराएँ, बच्चों को पढ़ाएँ, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, खास करके सारा फैकल्टीज आज के डेट में काफ़ी स्ट्रांग है जी।